हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शाहुल, मैं मुमताज और आप देख रहे हो इट्स गेम टाइम। इट्स गेम टाइम में आज का नया गेम प्ले वीडियो है। आज का बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही आसानी से ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी लोकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। इस गेम का नाम है गेसु जो है एक्चुअल में बच्चों का गेम है, 5+ एज का गेम है। हम लोग भी आजकल अभी हम लोग 5+ एज बन गए हैं। मोस्टली जो हास्ब्रो के गेम्स होते हैं वो 5+, 8+ होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे गेम होते हैं ना कि वो हम लोगों को भी खेलने के लिए मन करता है। तो इसलिए आज हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा हम भी बच्चों जैसा गेम खेलें। गेस ऊ जो है वो ऑलरेडी एक बोर्ड गेम जैसा एक बना है, मतलब उसका एक प्रॉपर एक गैजेट्स है, उसको फ्लैप ऊपर नीचे। ये नया कार्ड गेम, ये कार्ड गेम के बेसिस में दिया है। ये थोड़ा चीप है एंड बेस्ट है, मतलब सेम गेम है, कोई डिफरेंट रूल कुछ नहीं है वो इसमें और इसमें। इसका अगर डिटेल में अगर आउट टू प्ले अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहां जाकर आपको इसको चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो कोई भी अगर डाउट है तो इन बिटवीन अगर आपको कुछ मूव समझ में नहीं आया या कुछ भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, इसका हम लोग इमीडिएटली आपको आंसर देंगे। बस एक ही चीज याद रखनी है आपको कि आप क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए और उसका आंसर सिर्फ यस और नो होना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब आप ऐसा नहीं पूछ सकते हो क्या वो लड़की है क्या वो लड़का है। हाँ। आपको सिर्फ एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन करना है, क्या वो लड़की है, तो आंसर सिर्फ यस और नो में आना चाहिए। एग्जैक्टली, तो ओपोनेंट अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो ओपोनेंट यस या नो ही बोलेगा, राइट। उससे ज्यादा कुछ भी हिंट नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें भी एक येलो कार्ड्स मिलते थे और इसमें भी कुछ ऐसे येलो कार्ड्स है जो गेस वो लिखा हुआ है इसमें। सफल करना है तो अच्छे से सफल करना है और ये कार्ड बिल्कुल भी नहीं दिखाना है क्योंकि वही कैरेक्टर को हमें गेस करना है, तो कार्ड बिल्कुल भी दिखाना नहीं है। तो अच्छे से सफल करने के बाद एक कार्ड इन्हें मिल जाएगा और एक कार्ड मुझे मिल जाएगा, बाकी कार्ड यहाँ पर फेस डाउन करके रखना है, फेस अप नहीं करना। उसके बाद ये कार्ड हमें देखना है, पता चल जाएगा ये क्या है। ओके Okay. तो ये अपने पास रख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने रख दिया है। ये वाला जो कार्ड है आपको किसको भी नहीं दिखाना है, ठीक है। मेरे हाथ में जो कार्ड है वो शाउल गेस करेंगे, तो मैं ऊपर दिखा देती हूँ मेरे पास कौन सा है, ताकि चीटिंग नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं टॉप वाले इसमें दिखाऊंगी। तो ये शाउल को गेस करना है। और ये वाले जो कार्ड है वो तो यहाँ पर फर्स्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट आएंगे तो अगर इक्वल नंबर ऑफ राउंड चलेगा तो फर्स्ट प्लेयर पहले गेस करेगा पूरा गेस कर पाए। चलो, तो हाँ, हमेशा के जैसा शाहुल और मैं करने वाले स्टोन पेपर सीजर। यस, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। तो पहले मेरा टर्न आया। ओके, मैं भूल गया मेरा कैरेक्टर भी क्या है। तो मैं पूछना चाहती हूँ शाहुल से, क्या उसकी ब्राउन आईज है? ब्राउन आईज, यस। ब्राउन आईज है तो मतलब जितनी भी बाकी की जो आईज के जो कलर से, मतलब वो सब फेस डाउन हो जाएंगे। अंकल जी आप चले जाओ, अकेले अंकल आप भी पलटे हो जाओ। मैं केयर करूं? नहीं नहीं, तुम चिटिंग करोगे भी। नहीं नहीं, मैं कैसे। अच्छा, वो तो नहीं होना चाहिए। ब्राउन आगे का मुझे लाइट सब नहीं, नहीं, सब ठीक है, सब ब्राउन आईज वाले फेस अप है। अभी शाउल का टर्न। ओके, तो आईज पे ही पहले फोकस करते हैं। मेरे जैसा क्वेश्चन मत करो, सेम सेम। राइट, तो क्या उसके ग्रीन आईज है? नो। फिर भी काफी ग्रीन आईज है लोगों का। क्या उसके वो स्माइल कर रहा है, उसके दांत दिख रहे हैं? ओ, ये काफी सही है, मैंने मालूम कि मैं भूल ही गया। उसके दांत दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता मेरा कैरेक्टर। स्माइल नहीं कर रहा है, मतलब जो दिख रहा है वो फेस डाउन। ये स्माइल कर रहा है, ये अंकल जी हंस रहे हैं, ये भी हंस रही है, ओ, काफी अच्छा। ये भी अंकल हंस रहे है, ये लड़का भी हंस रहा है। नहीं, ओहो, क्यों टेंशन दे रहे हो, तुम्हारा डम्मी मेरा फर्स्ट था ना अभी तुम्हारा। क्या तुम्हारा जो कैरेक्टर वो एक लड़की है? यस। ओ, सारे लड़के, आदमियां, बुड्ढे सब चले जाएंगे,
मैं नहीं बोलना चाहिए, सॉरी दादाजी, दादाजी अंकल जी, अंकल जी सब जो है फेस डाउन। ठीक है, क्या वो लड़की है? नहीं, लड़की नहीं है वो। ओहो ओहो, लास्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट वाला अगर मुझे मिलता है तो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो मेरे को रिस्क लेना पड़ेगा। क्या आपका कैरेक्टर कैप्टन है? नो। क्या किया है? वैसे भी मैं हार रहा हूँ। अच्छा, क्या उसने चश्मा पहना है? नो, चश्मा नहीं पहना है। चश्मा पहना है? नहीं नहीं पहना। देख एक बार, चश्मा नहीं पहना है? चश्मा नहीं पहना है। तो वो कैरेक्टर जॉर्डन है मतलब। ओहो, तो मुझे मिल चुका ही है। तो पहले मैंने गेस कर लिया है तो काफी अच्छा था। कंग्रेचुलेशन। सॉरी, का कितना बाकी है अभी? और छह बाकी है। मैंने अभी वाला जो है ना रिस्क वाला क्वेश्चन किया था। हाँ। तो मैं पूछने वाला था एक्चुअल में उसकी आईज। ये चश्मा पूछना चाहिए था। चश्मा में फिर दो ही जाते थे ना, या तो इतने जाते थे बस। फिर मेरे को तू जीत चुकी थी। मेरा सिर्फ दो ही बाकी थे। अगर ऐसा होता है कि सामने ऑपोनेंट्स के सिर्फ दो ही बाकी है तो भूल जाओ, नहीं जीतेंगे। बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो इसीलिए इस गेम को क्या हमने क्या कहा था कि बेस्ट ऑफ, हाँ बेस्ट ऑफ में खेल सकते, बेस्ट ऑफ थ्री, बेस्ट ऑफ फाइव, क्योंकि आपने देखा कि कितना जल्दी फिनिश हो गया। तो ये एक्चुअल में बच्चों का गेम है। अगर आपके घर में 5 साल से बड़े बच्चे हैं तो आप उनके साथ बैठिए और उनके साथ खेलिए, उनको मजा आएगा। बच्चे के साथ मजा आएगा। चलो और गेस करो, देखेंगे ओके। मैं और कितने टाइम कितना टाइम वेस्ट हुआ मतलब। ओके, बेसिकली मैं हार चुका हूँ बट लेकिन फिर भी देखते हैं। क्या आपके कैरेक्टर का कैरेक्टर स्पेक्स के लिए? यस। ओ, उनको पूछ लेना चाहिए था। मैंने बोली इसको चश्मा पूछो। मेरी जो लड़की ना चश्मे को बोलती है चश्मा पहनी है। अब क्या आपका कैरेक्टर इयररिंग पहनी है? यस। ओके, तो रेचल है। तो सिर्फ दो ही टर्न वेस्ट हुआ है मतलब। दो अगर दो टर्न मिलता था शाहुल को। नहीं, मैं अगर ये तो रॉन्ग क्वेश्चन था। हाँ, तो रॉन्ग तुमने चश्मा ही पूछने वाला था बट लेकिन मेरे को लगा चश्मा अगर मैं पूछता भी हूँ तो दो ही भी हारता था। तो भी हारते थे। तो आई होप गाइज आपको गेम ना अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने भी इस गेम को अच्छे से इंजॉय किया होगा। आपको आइडिया मिला होगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिसका आंसर सिर्फ यस या नो होना चाहिए। ठीक है, बस ये करना है सर। क्या आपका कैरेक्टर चश्मा पहना है? क्या आपके पास बियर्ड है? क्या आपका कैरेक्टर मेल है? क्या आपका कैरेक्टर फीमेल है? क्या आपका कैरेक्टर का ब्राउन आइज है, ग्रे आइज है, ब्लू आइज है, वॉट एवर। इसमें पिक्चर देखिए आपको समझ में आएगा। क्या आपके कैरेक्टर ने किसी का हाईलाइट भी किया? हाँ, इसलिए नहीं पूछ सकते क्या? डबल डुअल कलर नहीं, वो तो मिल जाएगा फिर किसी तीन लोगों ने कहीं डबल है तो फिर रॉन्ग क्वेश्चन ना। अगर नहीं पूछ सकते नहीं। क्या आप, मेरे पास मुझे आइडिया नहीं है क्या किसी कैरेक्टर के बाल जो है डुअल कलर है? ये मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए पता नहीं बट लेकिन अगर आपको लगता है ये पूछना चाहिए तो आप ये भी पूछ सकते हो कि आपका कैरेक्टर का जो एयर है वो डुअल कलर है। मेरे को नहीं लगता कि नहीं पूछना चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं पूछना चाहिए। ये मेरा एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आपका कैरेक्टर का फेयर है या ब्लैक है या वो सावला है या फिर गोरा है? कैसे ये क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स के जो स्किन टोन है वो थोड़े अलग 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 शेड्स में, तो उससे हम लोग गेस नहीं कर पाएंगे। किसी को हम लोग फेयर या डार्क नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें और होने चाहिए थे जिससे बहुत जल्दी हम लोग गेस कर सकते हैं या हमको वो क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आप अपनी राय भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ना गेम देख के आपको भी काफी मजा आया होगा। तो इस तरीके से खेलते गेस हो। यस, इसके अलावा बच्चों का गेम है तो बच्चों आपको ये पसंद आया होगा। इस तरह से खेलते गेस हो। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी पेरेंट्स को अगर बच्चों को खिलाना है तो पेरेंट्स आप हमें क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। प्लीज कमेंट कीजिए और सिर्फ वीडियो को देखिए मत, उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये हमारा तो शॉर्ट बन गया वीडियो, लेकिन अगर ये शायद यही गेम बच्चे खेलेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं 5+ के।
तो वो कैसे एक एक चीज को पूछेंगे, क्या उसने स्पेक्स पहने हैं, हेयर का कलर क्या है, कुछ इयरिंग है, कुछ कैप है, बॉयज है, गर्ल्स है, तो उनका थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो वो काफी फन वाला होता है और बच्चों के लिए माइंड के लिए भी काफी अच्छे है कि वो किस तरह से स्ट्रेटेजी यूज करे, उनका माइंड यूज करे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कार्ड गेम्स होते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ में खेल सकते हो उनके माइंड इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, सो अभी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट के बारे में बात अगर हो रही है, तो एग्जाम्पल अगर उस लोग को लगता है कि फर्स्ट टाइम उन लोग ने बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया, यानी कि बहुत एक 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 कार्ड जा रहा है, तो उन लोगों को बोलिए कि दिमाग लगाइए, बहुत सारे कार्ड फेस डाउन हो जाए, ताकि वो लोग हर बार जब खेलेंगे वो उतना ही वो लोग स्ट्रेटेजी लगाए, दिमाग लगाए। सबसे अच्छी बात क्या है कि हर बार आपको कोई ना नया नया कैरेक्टर होता है, तो हर बार आपके भले से क्वेश्चन सेम होंगे थोड़ा सा, लेकिन वो गेस करने के लिए काफी मजा आता है, क्योंकि एवरी टाइम आपका कैरेक्टर डिफरेंट होता है, तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये गेम। ठीक है, तो आई होप आप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आप इजीली हमारे वीडियोस को देख पाए, और ज्यादा अपडेट के लिए आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, गेम्स के रिगार्डिंग हमारे वहाँ पे जो अपडेट्स है वो होते रहते, तो आप प्लीज हमें इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।